और समझ नहीं आ रही कि क्या खाना है। तुमने बड़ी मेहंदियाँ लगाई हुई हैं हाथों में। मेहंदी लगाना मुझे पसंद है और ये मेरा फेवरेट आर्ट है। फेवरेट क्या है? आर्ट। अच्छा, व्हाट अ ब्यूटीफुल आर्ट। थैंक यू। वेलकम। और मैं आज ना, हाँ लास्ट टाइम भी आपने यही सूट पहना हुआ था ना। हाँ हाँ, व्हाट? आप पे काफी सूट नहीं करता ये। थैंक यू सो मच, मुझे आपकी बातों का कोई असर नहीं है। ये कलर एक्चुअली मुझे आजकल कुछ बुरा नहीं लगता। क्यों? किसी की बात का मुझे कोई माइंड नहीं होता। क्यों नहीं बुरा लगता? लगना चाहिए ना, लोग आपको टॉर्चर करते हैं, आपको चाहिए लोगों की बातों में आए। मैं क्यों लोगों की बातों में आऊँ? लोग खुद मज़े से अपने घरों में आम और आम खा रहे हैं और खरबूजे खा रहे हैं और मैं उनकी बातों से टॉर्चर होती रही। इनका तो काम ही यही है, हर दूसरे बंदे को बातें लगाना। इनको ज़रा हंसता होगा इंसान का, कोई कह कर रहा होगा ना इसे इस तरह कर रहा होगा, जाएंगे हाय ये हंस रहे हैं। हाँ। चलो अब इसको कोई ऐसा टैग दे के आते हैं। कोई ना कोई तो इसकी परेशानी मजबूरी होगी ना, कोई ना कोई तो इसकी ज़िंदगी में कमी होगी ना, उसको पकड़ के इसका ज़रा जो हादसा है ना बंद करके आते हैं। बिल्कुल 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 ऐसा ही है, सारी दुनिया का यही काम है। और मेरा कोई मैं ना इतने ड्रोने ड्रोने और खौफनाक भूत देखा ही हूँ कि अब मुझे इनकी बातों का कोई असर नहीं है। कि फिर भी मतलब ये लोग आपको कहते हैं कि आपकी शादी नहीं हुई, आप सिंगल हैं, तो मैं इनको यही कहती हूँ कि आपने जो मेरे जहेज के पैसे, कपड़े, जूते, थोड़ा सा सोना जो आपने रखा हुआ है ना, वो मुझे अभी दे दें। मैं ना आप लोगों का क्या पता, ज़िंदगी का थोड़ा ना कोई भरोसा है। मेरी ज़िंदगी तो अभी काफ़ी पड़ी है, 100-200 साल तो पड़ी है ना मेरी ज़िंदगी। आपकी ज़िंदगी हतम होने वाली है, आप जा रहे हैं कब्रिस्तान में। आमीन आमीन। मैं तो मेरी तो अभी 300-400 साल पड़ी हुई है अभी। आप क्या आपको क्या है? लगता है सोशल मीडिया में ये वैसे भी ये अगर शादी हो भी जाए तो क्या आप अनाउंस करेंगी? नो no. जो आपने देख ली है फेस no way. आप पहले छोटी छोटी खुशियां होती हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है उसे सोशल मीडिया पे अनाउंसमेंट नहीं होगी। नो मीडिया में नहीं होगी नो, कोई अनाउंसमेंट नहीं होगी। हाँ, अगर मेरे हस्बैंड चाहते हुए, यानी कि मेरे अपकमिंग हस्बैंड जो हैं, अपकमिंग ससुराल वाले, अपने ससुराल वाले चाहते हुए कि मैं फिर से मीडिया में आऊँ तो मैं आ जाऊँ। मीडिया में तो आएंगी आप तो, लेकिन ये कि मैंने ना, लेकिन मैंने ये है कि आप अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। नहीं, हाँ मेरे बच्चे हो जाएँ, ज़रा 4-5 साल बच्चे हो जाएंगे, 4-5, फिर मैं ज़रा थोड़ा और जोन में चल, उनको लेके मैं ज़रूर आऊँगी। चलो ठीक है, उनको लेके ज़रूर आऊँगी, क्योंकि बच्चों के साथ इंसान की अलग जो होती है दोस्ती होती है, और इन लॉज के साथ और होती है, और टाइम लगता है थोड़ा सा सेटल होने में, तो वो चीज़ तो नहीं मैं शो करूँगी। हाँ, बच्चे हो जाएंगे ना जब मेरे 7, 8, 9, 10, 12 इधर उधर घूमते हैं, फिर आप सोचेंगे कि मैं अनाउंसमेंट कर दूँ, फिर मैं अपने बच्चों को लेके ज़रूर आऊँगी मीडिया में। पता नहीं कौन सा दौर आ जाए उस टाइम तक, उस टाइम तक मुझे नहीं पता। और हाँ, जिन लोगों को मेरी शादी की बहुत ज़्यादा टेंशन है और जो मेरी शादी में की टेंशन लिए बैठे हैं, वो जो दूर बैठे हैं, वो जो उससे भी दूर बैठे हैं, वो जो उससे भी दूर बैठे हैं, उनसे मेरा ये कहना है कि प्लीज़ आप लोगों ने जो जोड़ मोड़ के रखा हुआ है मेरे लिए, एक भांडा और एक छाबा और एक लोटा, वो भी दे दें मुझे। मैं आपकी याद में ना उसे एज अ तमगा इस्तेमाल करूँगी आगे। तो इसी तरह अभी ये खट्टी मीठी बातों के साथ हम इस व्लॉग को एंड ना कर दें यार। क्या आज अभी तो खाना भी खाना है, हमने खाना भी खाना है, भूख भी लग गई है, भूख भी लग चुकी है और खाना भी खाना है और थक भी चुके हैं। मैंने सोचा है कि सुना है कि आपने दोबारा से वॉक स्टार्ट कर दी है। यस, मैंने वॉक स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि पता है क्या है, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, आपको पता है, बहुत बुरे वाला। और मैं अब मुझे नहीं, अब ये तो नहीं है ना कि इंसान मौत के डर से बाहर नहीं, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बुरा हुआ था, क्योंकि मैं उड़ के गिरी थी। उड़ के इंसान गिरते हैं ना दूसरी साइड पे तो इंसान डर जाता है। मैं उड़ के गिरी थी और बहुत बुरा हुआ था, मेरे पीछे भी चोट लगी थी और आगे भी चोट लगी थी, और उसकी वजह से। खैर, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूं कि आप लोग कहते हैं कि मैं, मेरा अभी तक जो वेट है वो क्यों नहीं गिरा, मेरा देखें हम फेस कितना लंबा हो गया। तो मेरा जो सबसे ज़्यादा मेरा मेजर है ना, वो मेरे जो इफेक्ट पड़ता है वो मेरे फेस पे ही पड़ता है और मेरी बॉडी पे बहुत। वैसे मेरे ख्याल से इंसान थोड़ा हेल्दी अच्छा लगता है, वरना खाते पीते करके लगता है,
और ये होता है कि सुक्कड़ मुक्कड़ जाए तो बिल्कुल ही कुक्कड़ बुक्कड़ लगना शुरू हो जाता है। वो आम दे पलवानों की नौ नहीं देखी कितनी कोजी है, पतली सी है, लंबी सी है, काले से रंग की है, बालों बाल है, पता नहीं क्या देख ले पलवान सी ते पतली ले आए ने, तो वो खुद कितनी भैड़ी नौ लेके आए, उनको नजर ही नहीं आई मेरी प्यारी सी नूर। ना भाई मैं नहीं जाती पलवान दे घर यार, उनकी मैं बहू देखी कड ले आए पता नहीं कहां से, इतनी कोजी है, काली कलोटी सी है, लंबी सी है, उच्ची बड़ी कोजी है। शायद अब कुछ ना करी, हालांकि आजकल इतना कुछ आ गया, क्रीमें आ गई हैं, ये आ गया वो गया, लेकिन उसने कोई भी ब्यूटी का कोर्स ही नहीं लगता कि यार बालों बाल लेके आ गई है, काला सा रंग है, भद्दे से नैन से नाक ऐसे फैला हुआ है, ऐसे फैल गया है सिवे नैनक्श की ना, कभी भी मैंने वो नहीं की, लेकिन फैला हुआ नैनक्श फैले हुए काला बाल बालो बाल पता नहीं क्या कहते, और आगे से मुझे पता क्या कहते, मैंने कहती आपकी बहू तो मैं मुंह पे क्या कहती, बोतल मिलने चुके गई थी, मैंने कुछ कहा नहीं, कहती बेटे की लव मैरिज है। जब हम किसी के घर जाते हैं ना तो हमें यही टेंशन पड़ जाती है, सारे मेहमान तो बह गए, बोतल कौन लेने गया। हाँ जब मैं उनके घर में गई ना तो सारे बैठ गए, मुझे तो यही टेंशन खाई जा रही थी, ये सारे बैठ गए ना, बोतल कौन लेने गया, बोतल पता नहीं कौन लेने गया, बोतल तो इनके घर में तो दूर की बात, कभी भी 10 घंटे बाद आई बोतल, 10 घंटे बाद बोतल आई, दिमाग इतना खर्चा है एक बोतल के पीछे, इतना खर्चा कि मैं आपको क्या बताऊं। और आप लोगों ने आजकल तरीका नहीं देखा है, रिश्तेदारों का कार्ड जो है वो नौकरों के हाथ भेज देते, मैंने तो साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं आऊंगी शादी पे, भाई इज्जत ना बलोसो तो इज्जत ना ओसो, वरना मैं ना ओसो। पहले गिफ्ट दिए जाते हैं, पहले इतना कुछ दिया जाता है, परस पहले परस, अगर आपने किसी को शादी में इनवाइट किया है उसे चार जोड़े चार फंक्शनों के चढ़ के इस तरह आपने अपने बच्चों के बनाए ना, इस तरह दूसरों के बच्चों के भी कपड़े बनवा के सिलवा के उनके नाम लेके उनकी जूतियों के उनके कांटों तक उनके सर से लेके पैर तक का इंतजाम करके फिर आप उन्हें कार्ड का जो न्योता भेजे, तो वरना वो नहीं आने वाली। मैं तो भाई साफ कहती हूँ इज्जत से बुलाओगे तो इज्जत से आऊंगी, वरना मैं नहीं आऊंगी। नौकरों से तो मैंने बिल्कुल कार्ड नहीं पकड़ना, ये क्या आप लोगों ने रिवाज पकड़ लिया, एक नौकर पकड़ा और उसके हाथ कार्ड पकड़ा, बंदा पूछे किसी जमादार को कार्ड दे रहे, हम लोग की कोई प्रोटेस्ट नहीं है, हम दुनिया में डायरेक्ट आ गए थे, हम नहीं आते ऐसी शादियों में जिन शादियों में तरीके से ना बुलाया जाए। अगर आपको इतने शौक है कोई ना बुलाए शादी, अगर बुलाना है मैं आपको कहती हूँ मुझे बुलाए, इज्जत से बुलाए, मेरे चार जोड़े 8 फंक्शनों के लिए बना दे, मैं दो 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 फंक्शनों में एक जैसे कपड़े पहन लूँगी, मुझे पता है 12 फंक्शन तो करने ही करने हैं, 5 आपके नाचने वाले फंक्शन और 5 आप वैसे आप एक बात है नाचेंगी शादी पे अब्दुल्ला दीवान। वैसे मुझे डांस तो बिल्कुल नहीं आता और डांस करना मुझे अलाउ भी नहीं है, लेकिन मैं इनका डांस जरूर देखूँ, इन्होंने तो फिर करना भी है ना, ये साइमा से और रीमा से प्रैक्टिस नहीं हुई, इन्होंने इतना डांस करना है, वैसे 5 दिन तो इन्होंने डांस ही करते रहना, टल्ली होके सोना है। मुझे तो हैरानी होती है कि आजकल क्या फैशन आ गया है, उसी वाला ब्लॉग भी लगाया था जो 9 बजे वही तो नहीं लगाया गया, वो भी लगाना है, अभी बड़े लगाने हैं, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, कौन सा डिसाइड करना है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा बाजी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, शादी के 9-10 फंक्शन है और मुझे कार्ड भी नहीं उन्होंने सही तरह भेजा, जाऊँ कि ना जाऊँ, बंदा पागल थोड़ी ना है, मैं कोई घर में गुब्बू उठी थोड़ी ना बैठी हुई कि बस रोटी नहीं है और मैंने उधर ही जाके रोटी खानी जो कि मुझे मिलनी नहीं, इन्होंने मेरे सर पर चढ़ के आके कह देना आप मोटी हो गई हैं, 20-25 साल बाद किसी को बुलाओ तो वो भी इस तरह बुलाओ, मुझे ना बुलाया करें आप, इससे इससे बुलाएं, रिस्पेक्ट फर्स्ट मेरा आप लोगों से यही है, रिस्पेक्ट देंगे तो मैं रिस्पेक्ट दूंगी, वरना मैं कुछ छोड़ दूंगी, और वो आपको पता ही है मैंने क्या दी। बाय।